कैथल के गुरु गोविंद सिंह खेल स्टेडियम में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ कैथल के उपायुक्त धर्मवीर सिंह ने किया। यह प्रतियोगिता 11 से 13 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग व एथलेटिक्स, इस तरह की करीब 15 प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उपायुक्त धर्मवीर सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार ने खेलों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आज कई मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए आए हैं, चाहे वह कॉमनवेल्थ हो या एशियन प्रतियोगिता हो। आज खेलों के दम पर हरियाणा में खिलाड़ियों को सरकार रोजगार दे रही है। बधाई जो देना चाहेंगे कि राज्य जिला स्तरीय ये खेल महाकुंभ में अपनी प्रतिभा दिखाएं और अपना और अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा जो है पूरे देश का, प्रदेश का जो है नाम जो है रोशन करें। बहुत अच्छा इवेंट्स है, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये हो रहे हैं और हमारी जो सरकार है, हरियाणा सरकार है, उनका खास जो है फोकस रहता है कि खिलाड़ियों की उनके भविष्य के लिए वो बहुत अच्छा जो है मतलब कुछ न कुछ करें। अभी खेल पॉलिसी जो है हरियाणा सरकार ने अभी लाई है तो उसमें अनेक तरह के जो सुविधाएँ हैं या जो भी उसके इनाम हैं या रिवार्ड्स हैं उसके अनाउंस किए सरकार ने, तो वो भी जो है ना खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी जो है वो साबित होगी, मील का पत्थर साबित होगी और खिलाड़ी अपना जो है ना प्रतिभा जरूर जरूर दिखाएंगे यहाँ पर। और आशा करता हूँ कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए। क्या मानते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों का बहुत ज़्यादा महत्व है आज के दिन? पहले तो उल्टा इसका बोलते थे कि खेलने से खराब होते हैं, अब ऐसी स्थिति जो है नहीं रही। अब तो खेलने में जो है बहुत अच्छा स्कोप है, बल्कि कई बार तो अच्छी मेहनत करता है तो बहुत ऊपर लेवल तक जो है इंटरनेशनल लेवल तक जो है बच्चे जाते हैं। डेफिनेटली हमारा जो ये जो खेल महाकुंभ है इसका निश्चित रूप से जो हमारे ग्रामीण अंचल के जो लड़के हैं वही उनका उन्हीं को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। जो भी हमारे खिलाड़ी हैं, जो गुला के हैं, मतलब जितने भी हमारे, एक तो अभी आए थे जो है वो एशियन में गेम्स में जीता था, वो यहाँ रिश्तेदारी थी उनकी लड़के की कलायत में, मनजीत था मेरे ख्याल से नाम उनका। अभी एक जी जी जी, तो इनको बहुत बहुत बधाइयाँ और आशा करता हूँ कि जो बच्चे हैं हमारे जो खिलाड़ी नए हैं वो भी उनसे कुछ सीखेंगे और जो है निश्चित रूप से उनके पद चुनने पर चलेंगे।